ताड़ी का काम है जस गौना, तारीफ करनी, वडियाई करनी, उस्तुत करनी। वडियाई वो जी करिए जिदी वडियाई कर दें आप नहीं मेहनत होगी, किसी छोटे की बहुत ही वडियाई कर देंगे, लालची जा पाएंगे, खुशामदी जा पाएंगे, नीवी हो जावे। पर जे ओरी तारीफ करिए जिदे वर्गा संसार विच होर है ही कोई नहीं, वो आपका चेहरा है, ओदा जस गौन वाला भी ओदे चरणा की पूरी प्राप्त कर लिया करता है। सो करिए सिफत करिए महाराज जी ने मनुख का रास्ता बदले, मनुख का स्वभाव बदले है, उसने पूर्ण बनाने का यत्न किया है। गुसाई तुलसीदास जी एक दोहा कहते हैं, जननी जने तो भगत जाने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे दुआवे नूर। माता गुरी जी ने कहा निरंकार को वर्मा के एक पुत्र चाहती है, जेड़ा भगत भी होवे, जेड़ा सूरमा भी होवे, जेड़ा दाता भी होवे। भगती करन का असली अर्थ है जो गुण ईश्वर में चिटवे जाते हैं वो गुण प्राप्त कर लेने, या दूसरे शब्दों में ईश्वर में अपेट हो जाने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी तपस्या मतलब कहते हैं द्वैते एक रूप रह गया, मैं ईश्वर के नाल दुआ तो एक रूप बन गए। उस तो बाद वारी आई है दाते ने, पिता कुर्बान कर दिता है,
सरबंस कुर्बान कर देता है, इस तो वड्डा दाता कौन है? मगर अज असी गुरदेव नूं एक सूरमे की स्थिति देखना है। पुरानी दुनिया में सिकंदर नूं सब तो वड्डा जेतू जरनैल मनिया जाता, अलैगजेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम चलिया है सारी दुनिया नूं फतेहफजे करने वास्ते, जिथे वो घोड़े ने पैर करे ने जीत लड़दा लड़दा सतलुज के कन्या ते आ गए। चढ़ते पासे योधियां दी तलवारां चमकदियां वेख के हौसला हार गई उहदी फौज, मजबूर होके वापस मुड़े। ये अमली शिकल तो सिकंदर दी, दिल टुट गया, राह च मर गया, कर नहीं पहुंच सके। दुनिया का दूसरा वड्डा जरनैल नेपोलियन बोनापार्ट नूं मन्निया जा सकदा, कितने सारे यूरोप नूं घोड़े दे सम्मां थले कुतल दिता सी, मास्को तक फतेह करके अग ला के साड़ दिता गया। मगर वाटरू के मैदान में ये दिन वही नेपोलियन हार रहा है, वैरी सामने हथियार रख के प्राणा की भीख मंगी है, वैरी की कैद में जोना प्रवान कर लिया है, कितनी वड़ी शिकस्त है। मौजूदा दुनिया का सब तो वड्डा जरनैल हर हिटलर नूं मन्निया जा सकदा, कितने सारी दुनिया के अमन नूं खतरे में पा दिता सी। मगर किस दिन हिटलर ने हथियार सोटे हन, लखां की गिनती फौज अजे भी उहदे पिछे मौजूद खलोती सी, हारे हुए हिटलर ने आत्महत्या कर ली, इस तो वड्डी शिकस्त की हो सकती है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इतिहास से चाती मार चमकौर की धरती केवल 40 सिंह नाल हैं, ते केरा पाउण वाले दुश्मन की गिनती 10 लाख के करीब है। गुरदेव जफरनामे में इशारा करते हैं, गुरिसना के काले कुनद ते हिलर के दहलक बराए बरोस बेखबर, वो भुखे 40 सिंह की करते जिन्हों से 10 लाख वैरी बेखबरे आते हैं। तो विचारन वाली गल है कि गुरदेव हौसला हार गए, हजूर ने सोचा हूं मैं जित नहीं सकांगा, वैरी सामने हथियार सोच देने चाहिए हैं, नहीं। इतिहास कहेंगा है हजूर के मुंह उस वे भी जो शब्द निकले, निश्चय कर अपनी जीत करो, मैं दावे नाल कहेंदा मैं जीत प्राप्त करनी, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे मन के तुरिया सा देश सेवा पर मोहे यह शुभ कर्मन से कबू ना करो, ना डरो अरसे जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मेरे गुरुदेव अपने सिखा मुखातब करके कहते हैं खालसा जी ये चमकौर की पवित्र धरती, जाग सिखी ने इत सदा वास्ते अमर हो जाना या मिट जाना है, पवित्र धरती अनोखी मंतक है, लहूदा दाग कपड़े पे लग जाए कहने कपड़ा पलीत हो गए चंगा नहीं रहा, मैं जिते किसी शहीद का खून डुल जाता है धरती पूजन योग हो जाया करती है। सुनो भाई
ये पवित्र धरती जिथे अम का इम्तिहान होना प्रीक्रिया होनी है। खालसा जी थोड़े भरोसे से दुनिया न एक वादा कर बैठा हाँ, 1,25,000 से एक लड़ाऊ तऊ गोबिंद सिंह नाम कहाऊ। मेरा शब्दों वाले ध्यान दोगे, हजूर ने लड़ाऊ कहा है, ये नहीं कहा कि मैं 1,25,000 नाल लड़के विखा दियांगा कि तुम मैनू गुरु मन लियो, क्योंकि पछम की विचारधारा है। हजरत मूसा ने ऐलान किया मैं पैगंबर हाँ, लोगों ने क्या करा मां दिखा दे, हथ वाली सोटी सुटी सप बन के दौड़ उठी, कहते मेरी करामात है हूँ मैं पैगंबर मान लवो। 40 साल की उम्र में मुहम्मद साहब जी ने ऐलान किया मैं पैगंबर हाँ, लोगों ने कहा करामात दिखा दे, उंगली उठाई चंद्रमा के टुकड़े हो गए, कहता देखो ये मेरी करामात है हूँ मैं पैगंबर मान लिया जाए। मेरा मतलब कहने तो पश्चिमी विचारधारा है, ये करामात मान भी ले जाए तो वक्ती है, कोई समय वास्ते है। अज मनुख राणा चंद्रमा से जाके तुर के वेखा है, उसके टुकड़े कोई नहीं हुए हुए, चंद्रमा एक कलर की है। मेरे कलगीधर महाराज भी जे कहते मैं 1,25,000 नाल लड़के विखा देंगा तुम मैनू गुरु मन लियो, तो असा कहना सी वह करामात ही सन, वह गुरु सन, कर सकते सन, पर गुरु की वडियाई है हजूर अपने सेवकों अपने वर्गे बना देते। रतावे दावा किया 1,25,000 से एक लड़ाऊ, उ जिन्होंने नीवे मनिया जाए शूद्र कह के दुकारिया गया है, समाज चो खारिज किया गया है, इन्हों में 1,25,000 नाल लड़न वाला पैदा कर देंगा। तो हजूर ने कह सिखा ये मैं तेरे भरोसे उ तेरे माण से दावा किया है। सिखा ने सिर झुकाया, गुरु साढ़े ते माण करे तो सिख उस माण नीवा होण देवे, ये किवें हो सकता है? उचाई दे चाली सिंह हजूर के चरण छोके को जवाब दे रहे किवें भाई? जगत में आए इस उचेचे कार्य वास्ते निरंकार का तेजा संसार विच आया, जो कार्य की है पंथ प्रचुर करबे को साजा। गुरु नानक महाराज के चलाए हुए पंथ नूं सुरजीत करन वास्ते मुकम्मल करन वास्ते आया है, ये दातार दी दृढ़ता है। मैं सब कुछ सिखा तेरे भरोसे ते के गिन्ना मान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखां नूं दित्ता, संसार विच किसे राहबर ने उन्नी वडियाई अपने चेले नूं नहीं बख्शी। हबूर कहने इन्हीं की कृपा के सदे हम हैं, निम्बो से गरीब करोड़ परे। सिखा ने सिर झुकाया, सिखा दाता सिख अज हबूर दे ए वादे पूरे कर दे वे किवें भाई?
फिर देना आसान है, नहीं तो दिल पैदा कर चुके हैं, फिर दिन तो इनकार के भी। याद रखो खालसा जी, शरीर कुर्बानी करनी आसान है, मगर मन के भी पैदा कर देना, अपने एहसास, अपनी रीझां, अपने विचार सारे दूसरे से पैदा कर देने बहुत उचेरी गल है। सिखा ने कहा तो यही पैदा कर चुके हैं। मेरे दाता हजूर ने जो सिखा दे मान किया है उसने पूरा कर दिखावे, सवा रखना एक टाकरा करके दिखा दे देगा। मेरे हजूर साड़ी बेनती है जिते अगर सिख भी परीख्या होनी क्या चंगा हो गए जे हजूर भी अज अपने वादे पूरे कर दे। गुरुदेव ने की वादे किए सन जेड़े पूरे करने अजे बाकी सन, अनोखी मिसाल है, धर्म के इतिहास च नहीं मिलेगी कि किसी गुरु ने पीर ने अवतार ने पैगंबर ने अपने चेलिया को भी धर्म की दीख्या ली हो। पंजा अमर देने के बाद गुरुदेव ने सिर चुका के कहा प्यारे दया सिंह जी मैं तुम्हें दया राम तो दया सिंह बना देता है, हिम्मत राय तो हिम्मत सिंह बना देता है, तो मैं गोविंद राय ना रह जावा, अज मैनू भी अमर की दात दे के गोविंद सिंह बना लिया जाए। सिखा ने सिर चुकाया, दया सिंह कहें सचे पातशाह अमर देन तो इनकार नहीं है, मगर असा मुफ्त का माल नहीं लिया, मथा टकाई वजो पेटा कर दिए, असा कुछ दे के अमृत लिया है, हजूर ने अमृत लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। दातार कहने दया सिंह मेरा तो सब कुछ पहले ही सिखा का है, सब कुछ अर्पण कर चुका है, तो जे हूं भी चाहते हो तो हुक्म करो, जो हुक्म करोगे गोबिंद सिंह वही देने वास्ते तैयार होगा। दया सिंह कहने सचे पातशाह ये मेरे कहने से गल नहीं निबड़नी, ये देने वाले ने अपनी हैसीयत मुताबिक देना। मेरा सवाल है कि सिख बन वाले ने जिस अमृत बदले सिर दिता है सिखा का गुरु वे बदले की देगा, बहुत वाला सवाल है। गुरु वडेरा है उसको बहुता देना पवेगा। सिर चुका के हजूर कहते हैं प्यारे दया सिंह जिस अमृत के बदले सिख ने सिर दिता है सिखा का गुरु वे बदले सरबंस देगा। नगारे से पईया चोटा धरती गूंज उठी, सारी रात बारह दुश्मन टंडोरा पिड़ता रहा सी, सिखो गिनती चाली हो सबो तुसी, घेरा पाने वाली फौज की गिनती 10 लाख है, ना तुसी जित प्राप्त कर सकते हो ना जिंदे निकल सकते हो, हथियार छुड़ दियो जान बख्शी जाएगी। उन्होंने इना भी ख्याल नहीं सी कि तू हथियार भी उठाओगे, बाकी वे निगाह दे पईयां चोटां पर मन गूंजे गूंज उठिया, धरती कंबी है, वजीर खान नूं अग लग उठी, मार के निकाला है चोटा वजीर खां उस कच्ची हवेली की तावा बोल दूंगा कहें भाई।
कासे जगारे जोड़ी छड़े कासे जगारे जोड़ी यदि सामने आती हथियार तीर गोलियां गली चुनू चल दे तीर गोलियां गली चुनू दुश्मन आने का स्वागत सिंह ने गोलियां और तीर कीते मोरियां पाला चाहिए मोर पागड़ पैगी एक किताब पढ़ी अंग्रेजी इतिहास के मुतल तो राय देता दूसरे युद्ध के बाद संसार में दो कौम सब तो ज्यादा लड़ाती हैं एक अफगानिस्तान का पठान है एक पंजाब का सिख है मरदों फर्क है अफगानिस्तान का पठान हार जाए मैदान छड़ के नस जाता पंजाब का सिख हार जाए टुकड़े होकर कट मरदा मर जाता है फिर नहीं छड़िया करता इतने धार्मिक सिद्धांत है साडे पूर्वी धर्म सारे के सारे पुनर्जन्म प्रवान करते हैं मगर पछमी धर्म पुनर्जन्म प्रवान नहीं करता एक बार मर गया कबर च पिया क्याम तो पहला कभी पूछना ही नहीं फैसला फिर होगा साडा पूर्वी सिद्धांत ईश्वर की इच्छा होए साल पिछ फिर आ जाएगा करतार सिंह सराभा 13-14 साल की उम्र में अमरीका च गदर पार्टी शामिल होए हिंदुस्तान में आया एक मिनट दम करके नहीं बैठा लड़ाई केस की थी जिस दिन फांसी का हुक्म होया साढ़े 19 साल की उम्र से बयान दिते चढ़ के जो कुछ किया मैं किया जग ने मथे से त्यूड़ी पा के कहा उसके वकीलों को जाओ इन मुंडे ने समझा के लियाओ अगे दाढ़ी महंगी थी बड़ा खूबसूरत जवान है समझा के लियाओ कल फिर बयान दे दे इशारा समझे वकीला ने बड़ा समझाया खामोश रहे अगले दिन फिर हाजिर होया उसने डर के फिर वही जवाब देता है जज ने कहा इसने समझाया नहीं हंस के कहने लगा जज साहब समझाया मैं भी समझ गया तुम्हारी इच्छा यही है ना कि फांसी की बजाय मैनू 20 साल कैद कर दोगे 20 साल जेल च कौन कटेगा ये अंग्रेज का राज कायम रहा मैं तो नवा महीने जम के फिर आ जाना है और इसका टाकरा करांगा ते बुनियाद कित्थे है गुरदेव कहिंदे ने मरनहार यह जिया रहा नहीं क्योंकि साड़ा धर्म पुनर्जन्म च विश्वास रखता है इस वास्ते मौत का तय कोई नहीं सिंह ने मंगावे मैदान में खाली हो गए खैर लड़ाई लंबी हो गई बहुत सारे सिख शहीद हो गए लिखिया है 17 सिख शहीद हो गए निकली बिचों दुश्मन कुछ हजार मारे आ गया होगा फैरी फिर वजिया है दरवाजे से ताला बोलिया जाए तो गुरुदेव के वड्डे साहब दादा बाबा अजीत सिंह जी पहनते शस्त्र अस्पाई नाल लेके गुरुदेव के सामने खलो के बेनती करते हैं सच्चे पातशाह मैदान में शहीदी प्राप्त करने वास्ते जाना चाहना हूँ पता लगेगा गुरु गोबिंद सिंह के हौसले का विद्वान क्या करते ने जे दलेरी नाल मित्र नूं मौत वाले तोरिया जा सकता है पुत्र नूं तोरना औखा होया करता है गुरु गोबिंद सिंह का लाड़ला पुत्र मंग रहा दाता आ गया दो मैदान में जाके शहीद होना चाहना